लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। निजाड़िया, ये क्या है? ये तो लाल पान का बादशाह है उस्ताद। लाल पान? ए कालू। हाँ उस्ताद। क्या है रे? ये तो पान का बादशाह उस्ताद। कैप्टन? अपने मुकदमे का अंजाम मैं जानता हूं इंस्पेक्टर। शायद सच्चाई जानकर अदालत तुम्हारी सजा माफ कर दे। जिसे जीने की नहीं तमन्ना उससे जिंदगी की बात करते हो? फिक्र मत करो इंस्पेक्टर, बदला पूरा होते ही ये कैप्टन अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। रुक जाओ। बलवीरा बोलो, बोलो बलवीरा। कैप्टन अजीत, कैदी नंबर 36। मर गया ना साले, शाम कलाल से पंगा लिया था। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, मार दिया ना तुमने इसको। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अरे जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बात अब मेरी समझ में आई। उस दिन चंदन सिन में से कैदी नंबर 36 को तुमने क्यों भागने दिया? क्योंकि तू खुद कैदी नंबर 36 से मिला हुआ है। नहीं सर, ये सरासर झूठ है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। इससे पहले कि मैं कैदी नंबर 36 को पकड़ता, वो बलवीरा को मार के भाग चुका था। और वो जो खंजर पे तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले थे वो भी झूठे हैं क्या? सर वो मैं वो क्या होता है? तुमने इस बलवीरा को इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारे साथी कैदी नंबर 36 को मार सकता था। ये झूठ है, और सच्चाई तो ये है कि तुम लोगों ने उसकी बीवी के साथ बला। ऐसी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या पुलिस ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि अपने सीनियर से मारामारी करो? सर मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया गया, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए गए सर। इल्जाम? ये इल्जाम नहीं है सर, एकदम सच्चाई है।
खतरनाक मुजरिम कैदी नंबर 36 को इंस्पेक्टर मनोज ने पुलिस की वर्दी के पीछे छुपाए रखा। सर मोंटी का खून इसने करवा के अपने प्यार के रास्ते से हटा दिया, और तो और कल बलबीरा का खून भी इनकी शह से हुआ सर। ये सब झूठ है सर। अगर ये सब झूठ है सर, तो इसने कैप्टन अजीत को भागने क्यों दिया? सर मैंने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की थी और अब भी पकड़ ही लूंगा। सर आप इनकी बातों में मत आइए। सच्चाई और ईमानदारी की ये मूर्ति डीएसपी मिस्टर श्याम कलाल बेईमानी और मक्कारी के लिफाफे में लिपटी हुई है सर। इंस्पेक्टर मनोज। यस सर, इसी ने कैप्टन अजीत को मुजरिम बनने पर मजबूर किया है सर। इंस्पेक्टर मनोज, चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा डीएसपी साहब। सर इसने पुलिस की वर्दी की बेइज्जती की है सर। एक औरत की इज्जत बचाने के बजाय एक औरत की इज्जत लूटी है सर। इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सच्चाई को काले की कोठी में डाल देने से वो झूठ में नहीं बदल जाती सर। डीएसपी श्याम कलाल को इसके किए हुए गुनाह की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी सर। इंस्पेक्टर मनोज बिहेव योरसेल्फ। तुम अपने किए पर शर्मिंदा होने की बजाय मेरे सामने बदतमीजी कर रहे हो। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी और इसी वक्त सस्पेंड कर सकता हूं। सर सिफारिशों के बोझ से दबी हुई कश्ती में बैठने से तो डूब जाना ही बेहतर है। मैं खुद पुलिस फोर्स से रिजाइन करता हूं। सर एक अच्छे शहरी होने के नाते मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि डीएसपी श्याम कलाल जैसे बेईमान अफसरों को पुलिस महकमे से निकालकर बाहर फेंक दीजिए, वरना एक दिन दीमक की तरह ये अफसर पुलिस महकमे को ही बर्बाद कर देंगे। आंटी। आओ बेटा। कहां है आपका लंदन वाला भाई उर्फ कैप्टन अजीत उर्फ कैदी नंबर 36? जब सब कुछ जान गए हो तो ये भी जान गए होगी कि वो मेरा भाई नहीं। यही बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। इतना बड़ा झूठ क्यों बोला आपने मुझसे? यह हमारी मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था आप पे जिसकी वजह से इतने बड़े मुजरिम को आपने अपने ही घर में बना दी? तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। जवाब आपको देना पड़ेगा, वरना एक मुजरिम को पनाह देने वाला खुद भी एक मुजरिम होता है। आपकी खामोशी आपके होने वाले दामाद के साथ नाइंसाफी कर रही है। मेरी खातिर बता दीजिए, अपनी बेटी की खातिर बता दीजिए। सच्चाई सुनने की ताकत है तुम्हें? सच्चे इंसान को सच्चाई से प्यार और झूठ से नफरत होती है। सच्चाई तो यह है कि मैं खुद एक मुजरिम हूं। मैंने खून किया है, मोंटी का खून। हाँ बेटे, एक रात की बात है। मैंने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए उसे जान से मार डाला। उसकी बॉडी फेंकते वक्त कैप्टन अजीत ने मुझे देख लिया और उसके बाद वो इस घर में आके रहने लगा। जब आया था तो वो एक मुजरिम था, कैदी नंबर 36। लेकिन आज वो मेरा भाई है। कैप्टन अजीत के साथ भी उतनी नाइंसाफी हुई जितनी मेरे साथ। मैं ये सब कुछ जानता हूं, लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि अपने होने वाले दामाद को यह सब कुछ पहले से ही बता देती? मैंने ही ना कहने पर मजबूर कर दिया था इन लोगों को। दरअसल ये लोग मेरी दहशत से डर गए। इंस्पेक्टर तुम सब कुछ तो जान गए हो, अब तुमसे और क्या छुपाना। बाबू और बलबीरा का खून तो मैं कर चुका हूं, लेकिन श्याम कलाल अभी तक जिंदा है। जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर देता मेरी चंचल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और मैं तुमसे वादा करता हूं जिस दिन मेरा काम पूरा हो गया मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा।